एक बात, इन कपड़ों को तो ना अलमारी में बंद करके रख दो तुम। अब शादी हो चुकी है ना, तो साड़ी पहननी होगी। और वैसे भी एक हफ्ते तक तो तुम बाहर जा ही नहीं सकती, बताया था ना। और एक बात और, ये जो कपड़े हैं ना, सबके सामने नहीं चलेंगे। पर ये सारे कपड़े और ये जो मैंने पहना है, ये साड़ी से ज्यादा ही ढका हुआ है एंड काफी कंफर्टेबल भी है। मैं हमेशा से यही पहनती आई हूँ और मुझे इन्हीं कपड़ों की आदत है। आदतें तो बदलनी पड़ेंगी ना। अब शादी का फैसला लेना मतलब बदलाव के लिए तैयार होना। और ये सब बातें हमारे अलावा कोई बताएगा नहीं तुम्हें इस घर में। और तुम हम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इतना कुछ हासिल कर चुकी हो जिंदगी में, तो हमारी बात मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर हमारी बात नहीं भी मानती तो हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपकी बात को टाल दूंगी? फिर तो ठीक है। आज शाम को ना घर में मुंह दिखाई की रस्म है। हमारी चचेरी ननद और कुछ जान पहचान की औरतें हैं, तुम्हें देखने आ रही हैं। तो उनके सामने कुछ रस्में होंगी हमारी, तो छोटी उन सब के बारे में तुम्हें बता समझा देगी। बहू जी, अम्मा जी, हमारे साथ अंदर चलोगी? जी। ब्रजेश जी, भाभी जी, ब्रजेश, ब्रजेश, आज के बाद भाभी जी जब भी रसोई में आके काम करेंगी तुम उनकी मदद करोगे। देखो, इनके घर के तौर तरीके अलग है, हमारे रिवाज अलग है, तो वो अभी इनको पता नहीं है, सब सीखना होगा ना। तो थोड़ा बहुत हम समझा देंगे, थोड़ा बहुत तुम सिखा देना, सीख जाएंगी जल्दी। बहू, अब से ये रसोई, ये घर, ये सब लोग, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। अब हम तुम्हें दिखाते हैं अंग्रेजी में कि देसी सास क्या होती है।